डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ आवर कोर्स विच इज सैम्पलिंग इन सोशल रिसर्च हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथडलॉजी की बात करें या क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी की बात करें तो सैम्पलिंग जो है वो रिसर्च प्रोसेस का एक अहम जुज्व है तो इस चैप्टर uh, में हम सैम्पलिंग से uh, जो रिलेटेड है डिफरेंट कॉन्सेप्ट uh, को स्टडी करेंगे हम टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करेंगे और फिर हर टेक्निक की जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है उसके ऊपर अपनी uh, जो है अंडरस्टैंडिंग uh, डेवलप करेंगे तो इस सिलसिले में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलेशन एंड पैरामीटर व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन एज अ रिसर्चर जब हम uh, किसी भी क्वेश्चन uh, को डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम uh, जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो कंसिडरेबल रिस्पोंडेंट्स होते हैं हम उनको इन सिंपल वर्ड्स पॉपुलेशन कहते हैं द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दोज दोस्पोंडेंट्स इज कार्ड अ पॉपुलेशन सो पॉपुलेशन इज द एब्सट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैनीसिज फ्रॉम विच आ रिसर्चर ड्रॉज अ सैम्पल एंड टू विच रिजल्ट फ्रॉम अ सैम्पल आर जर्नलाइज पॉपुलेशन वो तमाम लोग हैं जिनसे रिसर्चर uh, जो है सैम्पल ड्रा करता है और अपने सैंपल के जो रिज़ल्ट है जो जिनके ऊपर जो जनरलाइज करता है उसको हम पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं जैसे कि अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे तो ऑल द स्टूडेंट्स इनरोल्ड एट डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान विल बी कंसीडर्ड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी और इसी तरह अगर हम कोई पेशेंट्स के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं तो ऑल पेशेंट्स गेटिंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल ऑफ पंजाब उसको हम कंसिडर करेंगे पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी इसी तरह हम कोई बिजनेस पर्सन पर कोई स्टडी कर रहे हैं तो ऑल बिजन लिस्ट विद द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज कंसिडर्ड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी पापुलेशन के बाद इसका एक सब कॉन्सेप्ट है टारगेटेड पॉपुलेशन द पॉपूलेशन विच आई वॉन्ट टू स्टडी एज ऐ रिसर्चर फॉर इंस्टेंस जैसे कि हमने पहले बात की ऑल स्टूडेंट्स आर इन इन डिग्री अवार्डिंग पाकिस्तान इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी बट इन दिस पापुलेशन ऑफ द स्टडी वट इज़ माई टारगेट पॉपुलेशन आई एम इंटरेस्टेड टू सी और टू स्टडी द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन लाहौर तो अगर जो तमाम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो डिफरेंट लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं लाहौर की जामियात में पढ़ रहे हैं तो अगर मैं उनके ऊपर अपनी स्टडी को फोकस करता हूँ तो मेरी टारगेटेड पापुलेशन क्या है वो तमाम स्टूडेंट्स जो लाहौर में स्टडी कर रहे हैं इसी तरह अगर मैं आ, कोई प, किसी पेशेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तो और उसमें मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ सिर्फ आ, टीचिंग हॉस्पिटल्स ऑफ द पंजाब तो वो मेरी टारगेटेड पॉपुलेशन होगी तो जब हमारे पास पॉपुलेशन होती है तो पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम पैरामीटर कंसिडर करते हैं आ करैक्टरिस्टिक ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन दैट इज़ एस्टिमेटेड फॉर आ साम्पल इज कॉल्ड पैरामीटर फॉर इंस्टेंस जैसा कि हम एक एग्जांपल बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर जो है एक स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं जो कि डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं पाकिस्तान में तो हम देख सकते हैं कि उनकी एवरेज एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या थी उनकी एवरेज जीपीए पी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या रही और ड्रॉप आउट रेशो क्या रही अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फिर जेंडर रेशियो क्या है यानी कितने मेन स्टूडेंट हैं कितने वुमेन स्टूडेंट हैं तो ये सारे उस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं जिसको हम अपने साम्पल के स्टेटस्टिक के साथ कंपेयर करते हैं तो सैम्पल क्या होता है और स्टेटिस्टिक क्या होती है इसको हम जो है अपने नेक्स्ट मड्यूल में इसके ऊपर बात करेंगे